अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। वसीर मार्केट चैनल पर तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक पिवट पॉइंट्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फ्रेंड, एक ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो आपको एडवांस पता चल जाता है कि आपकी ट्रेड कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। ये ऐसा इंडिकेटर है जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। वो उन खास इंडिकेटरों में से है जो आपको एडवांस बता सकता है कि आपकी मार्केट कहाँ तक जा सकती है और आपने टीपी कितना रखना है और स्टॉप कितना रखना है। तो चले फ्रेंड, इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से लगाएंगे और ट्रेड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड, इसके जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज़ें हैं इसकी, पिवट पॉइंट ट्रेड, अगर हम पिवट पॉइंट का जो इंडिकेटर लगाते हैं तो इसमें पिवट पॉइंट की हम ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट लेवल की ट्रेड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस लेवल की ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि तीन ऐसी जगह हैं जो मुख्तल जगह पे हम जाके एक ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली पिवट पॉइंट इंडिकेटर जो है वो एक कैलकुलेशन करता है जो आपका प्रीवियस डे की जो कैंडल होती है उसकी जो है पूरा फार्मूला होता है। यानी कि हाई लो और क्लोज का फार्मूला होता है जो बिल्कुल कैलकुलेशन करके आपको एक पिवट पॉइंट यानी एक सेंट्रल पॉइंट आपको बता देता है जिसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं, और तीन सपोर्ट और तीन रेजिस्टेंस जो बना देता है, ऑटो जो बनाते हैं, जो हर दिन अलहदा से जब भी मार्केट ओपन होती है वो अलहदा यानी कि ये सिक्स जो लाइंस हैं आपके चार्ट के ऊपर लग जाती हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इंडिकेटर लगाना है और हर रोज़ आपको ये छः लाइनें जो है वो तीन सपोर्ट तीन रेजिस्टेंस और एक पिवट की आपको मिल जाती है। तो ये आपको बता देता है एक मार्केट के आने वाले वक्त में मार्केट कहाँ तक जा सकती है और आपका स्टॉप कितना हो सकता है, ये आपने टीपी कितना लेना है। तो चलिए फ्रेंड, इसको मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे आप पिक्स देख रहे हैं इसकी, क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ इसकी जो है जो सिक्स लाइंस हैं जो तीन सपोर्ट की हैं, सपोर्ट वो जो ये ऊपर वाली लाइनें जो है रेजिस्टेंस की है, R1 रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, और ये यानी यहाँ से थोड़ा सा आप कह लें कि यहाँ से छोटा आपको प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ से थोड़ा बड़ा और इससे भी बड़ा क्योंकि मार्केट यहाँ से चल चुकी होता है। इसी तरह हमारी जो है सपोर्ट लाइनें भी तीन है, 1, 2 और 3, और एक बिटवीन में है पिवट पॉइंट। यानी कि ये हमें ट्रेडें मिलेंगे यहाँ पे तीन ऊपर की, तीन नीचे की और दो यहाँ की, यानी कि आठ आठ तरह की हमें यहाँ पे इस इंडिकेटर पे हमें ट्रेड मिल सकती है। तो फ्रेंड, आप अंदाज़ा करें कि अगर आपने पांच पांच यहाँ पे मुहतक पेयर लगाए होंगे तो 40 ट्रेडें आपको मिल सकती हैं जो एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। उसमें से आपको 10 भी मिल जाए तो आप फिर भी कामयाबी आपकी, उसमें 5 भी अच्छी मिल जाए तो फिर भी कामयाबी है। तो चले फ्रेंड, लाइव चार्ट पर जाके इसको हम देखते हैं। जी फ्रेंड, तो अभी हम चार्ट पे हैं, जो लाइव चार्ट है MT4 का, और पेयर हमने सेलेक्ट किया CHF JPY और टाइम फ्रेम लिया हमने M15 का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंडिकेटर लगाते हैं। इंडिकेटर लगाने का वही तरीका है, ये कस्टम इंडिकेटर है, ये आप बड़ी आसानी के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या किसी से ले सकते हैं आसानी के साथ। अगर किसी के पास ना भी हो तो आप मुझसे आप ले सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे सिंपल आपने डबल क्लिक करना है और इसको लगा देना है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे सिक्स लाइन जो है तीन सपोर्ट तीन रेजिस्टेंस की और एक पिवट की लाइन यहाँ ऑटो ड्रा होती है मिल गई है। तो फ्रेंड, जब आपको की मार्केट सुबह ओपन होती है तो उस वक्त ये जो जो सेवन लाइंस हैं वो ड्रा हो जाती हैं, लेकिन सुबह बहुत छोटी होती हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पर होती है फर्स्ट क्या। जैसे जैसे डे गुजरता जाता है ये लाइनें बढ़ती जाती हैं और मार्केट इनके बिटवीन में जो है मूव करती जाती है और आप इसकी डायरेक्शन में एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो। तो फ्रेंड, इसमें सब बड़ा आसान काम ये है कि आपने जब भी ट्रेड करनी है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर पिवट पे ट्रेड करनी है तो वो किस तरीके की आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मार्केट मिले पिवट के ऊपर नई कैंडल बनाए तो यहाँ से आप बाय ले सकते हो, जो पिवट की ट्रेड है। दूसरी, अगर नीचे के नई कैंडल बनाए तो यहाँ से आप सेल ले सकते हो पिवट की ट्रेड। ये तो होगी पिवट की दो ट्रेड जो, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस की करेंगे तो मार्केट जैसे मूव करती हुई यहाँ से मार्केट जाती है ऊपर और यहाँ पे रिटेस्ट करती है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो और यहाँ पे अपना टीपी लगा सकते हो, ये छोटा सा स्टॉप लिखना है अपने। इस तरह मार्केट ऊपर ही चली जाती है, यहाँ पे जाके टेस्ट करती है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो और यहाँ पे टीपी इतना रख सकते हो आप लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से 15 पिप ऊपर आप अपना स्टॉप दे सकते हो। इसी तरह तीसरी लाइन है, और अगर आपने नीचे सपोर्ट से सपोर्ट जो लाइन है वहाँ से ट्रेड करनी है तो यहाँ से फर्स्ट किया कि मार्केट जो है
यहाँ से मूव करती हुई नीचे आती है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से बाय ले सकते हो और यहाँ पे टीपी रखना है आपने, 15 पिप का स्टॉप देखना है। इस तरह मार्केट जब यहाँ पे आके पहली दफ़ा आके टच करती है तो आप यहाँ से बाय ले सकते हो, ये टीपी रखना है आपने और स्टॉप आप छोटा सा यहाँ पे 15 पिप का रख सकते हैं। इसी तरह तीसरी लाइन का है। तो फ्रेंड बहुत आसान है इस पे ट्रेड करना, क्योंकि पूरा दिन मार्केट इसी लाइनों के अंदर मूवमेंट करती है। ज़्यादातर बहुत को बड़ा ब्रेकआउट ना हो, को बड़ी न्यूज़ ना हो तो मार्केट दोनों तरफ निकल सकती है, लेकिन ये नए बंदों के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी है, और इससे आसान स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि जो आपको एडवांस बताए कि मार्केट कहाँ जाके रुक सकती है। आपको पता मार्केट जब भी वर्किंग करती है जिगजैग की सूरत में वर्किंग करती है, तो जिगजैग का मतलब है कि यहाँ फर्ज किया कि मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, ऐसी इस तरह जा रही है, तो नीचे आप देखें कभी वो ऊपर जाके आपकी सपोर्ट को टच कर रही है या नीचे वाली सपोर्ट को कर रही है या ऊपर वाली रेजिस्टेंस को टच कर रही है। तो इसके अंदर रहते हुए आपने 10-10, 20-20 पेपर लेने हैं और यहाँ से निकलना है, तो आपको यहाँ से यानी कि एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। तो ये आपने नीचे से बाय करने हैं जो स्पोर्ट लेने हैं, और ऊपर रिजिस्टेंस लेने से आपने सेल करने हैं, और दरमियान वाली में पेपर से ऊपर हो तो बाय, नीचे हो तो सेल लेना। ये फ्रंट बहुत अच्छी है, स्ट्रेटजी है, आप 4-5 अच्छे पेयर लगा सकते हैं और 4-5 पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो जाएंगे और आपको ये स्ट्रेटजी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। जी फ्रेंड, ये एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, मैंने बताया ना, ये चंद इंडिकेटर मेन इंडिकेटरों में से चंद एक ये इंडिकेटर इसमें पिवट पॉइंट है जो आपको एडवांस बताता है कि आपकी ट्रेड या आपकी मार्केट या आपकी प्राइस कहाँ तक मूव कर सकती है, तो आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप आई होप कि आप पूरी इस पर प्रैक्टिस करेंगे और ये स्ट्रेटजी इंशाल्लाह आप कामयाबी के साथ बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। तो जो नए दोस्त हैं उनको चाहिए पहले लर्न करें, डेमो अकाउंट पे पहले सीखें, अगर अफोर्ड करते हैं तो वो कोर्स करें, फ्री वाली हर तरह की स्ट्रेटजी हमारे यूट्यूब पे चैनल पे मौजूद है, लेकिन अगर वो बेहतर से बेहतर आपको करना चाहता है तो वो पेड कोर्स हमारे से ले सकता है, पेड क्लासेस ले सकता है। तो इसको सीख के जब करेगा तो फिर इंशाल्लाह लॉस नहीं करेगा, प्रॉफिट बनाएगा। तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप मौजूद है, कोई सवाल हमसे पूछ सकते हैं रिलेटेड वीडियो से मतलब, हमारा फेसबुक पेज है इसको आप लाइक कीजिएगा, और जो नए फ्रेंड हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक टाइम पे पहुंचे और वो पूरा फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।